हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उत्कर्षा। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मीशो की जो 9 रुपीज़ वाली डील आई थी उससे मैंने कुछ प्रोडक्ट बाय किए हैं, तो वो आपसे शेयर करूँगी आगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। सबसे पहले ये 99 रुपीज़ वाली साड़ी है, और ये साड़ी मैंने 9 रुपीज़ वाली सेल से ही ऑर्डर की थी। जब 9 रुपीज़ वाली सेल चल रही थी तो ये 99 रुपीज़ में मुझे साड़ी दिख गई, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर ली। और इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ रेड एंड ब्राउन के बीच में है, तो इसकी बॉर्डर में गोल्डन कलर की बॉर्डर है, और ये पूरी रेड एंड ब्राउन कलर की साड़ी है। और इसको मेरे मम्मी ने ये पीको भी कर लिया है, क्योंकि इसके जो धागे थे वो निकल रहे थे। और क्वालिटी वाइज ये साड़ी इतनी भी अच्छी नहीं आई है। और इसके साथ एक ब्लाउज पीस भी मिला था, वो भी कुछ अच्छे क्वालिटी का नहीं रिसीव हुआ है। तो अब चलो छोड़ो 99 रुपीज़ में, और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जब डील देते हैं ना, तो इन्हें प्रोडक्ट कम प्राइस में तो देते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए। सेल क्या सिर्फ नाम के लिए सेल होनी चाहिए? अगर हम 9 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो सेल लाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट भी अच्छे ही क्वालिटी के रिसीव होने चाहिए, वरना ये सेल का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और नेक्स्ट है ये 9 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट। इसमें मैंने टी शर्ट ऑर्डर की थी 9 रुपीज़ वाली, लेकिन मुझे रिसीव टॉप हो गया था, तो मुझे ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे ये टॉप ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो आप देख लो ये कैसा आया है, और ये इसकी प्राइस देख लो, ये 9 रुपीज़ का है। और इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने शॉर्ट में ही डाल दी थी। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स अनबॉक्स किए पहले मैं शॉर्ट में डाल दी थी, वो बाद में। सो ये वाला टॉप पीच पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आया है, और ये पूरे टॉप पे रोजेस के प्रिंट है, रोजेस फ्लावर प्रिंट है। और ये वाले कपड़े की क्वालिटी, मतलब इसकी फैब्रिक बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत ही थिन है। अब ये 9 रुपीज़ में मिल रहा था तो मैंने रख लिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि टॉप रिसीव होगा, मैंने यही सोचा था कि टी शर्ट ही आएंगी। चलो छोड़ो, अभी जो भी आया वो तो रखना ही पड़ेगा ना। और ये मैंने टी शर्ट सोच के बड़ी साइज़ एम साइज़ में ऑर्डर किया था, लेकिन ये टॉप आया है तो मुझे यस साइज़ ही फिट आती है टॉप में, आ गए तो रखना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये 9 रुपीज़ वाली इयर रिंग्स। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था कि ये कैसे रिसीव हुए हैं, तो इसको भी मैंने कल ही अनबॉक्स कर दिया था, इसीलिए ये पूरा अनबॉक्स किया हुआ है ऑलरेडी। और आप देख सकते हो इसकी प्राइस ओनली 9 रुपीज़ है। तो ये वाली इयर रिंग्स में पैकेजिंग तो अच्छी आई थी, लेकिन 9 रुपीज़ के हिसाब से ये भी इयर रिंग्स बहुत ओके है, तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था गड़बड़ में, अच्छे से पैक करके नहीं रखा था। ये बहुत सिक्योर होके आए थे इयर रिंग्स, तो ये मैंने पहले अनबॉक्स कर दिया था, तो ये पन्नी फट गई थी। और ये गोल्डन कलर की इयर रिंग्स है, और ये मुझे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो पसंद आया, लेकिन नीचे वाला जो है ना उसको ना मैं फेंक दूँगी। तो खासकर तो मैं ऐसे इयर रिंग्स पहनती नहीं हूँ, लेकिन कुर्ती वेयर अगर मैं पहनती हूँ तो मैं ट्रेडिशनल इयर रिंग्स भी पहनना पसंद करती हूँ। तो मैं अगर कोई कुर्ती पे ये इयर रिंग्स जाते हैं तो मैं इसे ज़रूर पहनूँगी, ये ऐसे करके पहनूँगी, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो मुझे पसंद नहीं आया। सो ये इयर रिंग्स का वेट भी बहुत लाइट वेट है, ये भारी इयर रिंग्स नहीं है, और ये गोल्डन कलर के आए हैं। तो इससे पहले मैंने 9 रुपीज़ वाले सेल में टोटल 5-6 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, लेकिन जो 2 प्रोडक्ट्स हैं मैंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर किया था 49 रुपीज़ वाला शर्ट था, मुझे लगा वो शर्ट ब्लैक एंड वाइट में था, बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैंने उसके रिव्यू देखे थे तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फुल छपरी जैसा लग रहा था, सो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। और सेकंड वाली थी 99 रुपीज़ वाली साड़ी ऑर्डर की थी, वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी कि एक ही कोई साड़ी चाहिए, तो मैंने वो कैंसिल कर दी थी। सो ये थे वो 3 प्रोडक्ट जो आ गए हैं।
और एक प्रोडक्ट और बचा है लेकिन मैं वो शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे शर्म आती है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे ऑफर्स के लिए सब्सक्राइब करके।